नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारत के महान योग गुरु जिन्होंने दुनिया भर में योग को पहुंचाया। आज योग जिस शक्ल में हमारे बीच मौजूद है उसे यहां तक पहुंचाने में इन तमाम योगियों ने अपना अहम योगदान दिया है। तो एक नज़र ऐसे ही कुछ योगियों पर, तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग विद्या को सुव्यवस्थित रूप दिया और इसकी व्याख्या की। पतंजलि जी के अष्टांग योग में धर्म और दर्शन की पूरी जानकारी को साथ साथ रखा गया है। साथ ही शरीर और मन के विज्ञान को पतंजलि जी ने योग सूत्रों में अच्छे से व्यवस्थित किया है। इन्हें पारंपरिक योग का पिता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी एक सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा को प्रारंभ किया। इन्होंने समाधि को आम लोगों तक ले जाने वाले योगी माना जाता है। महायोगी गोरखनाथ जी का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। इन्होंने अपनी पुस्तकों गोरक्ष संहिता, गोरक्ष गीता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति योग बीज के जरिए योग और समाधि की व्याख्या की है। स्वात्मा राम जी 15वीं और 16वीं शताब्दी के एक योगी थे जो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनकी लिखी पुस्तक हठ योग प्रदीपिका को अब तक योग पर लिखी गई सबसे उत्तम पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। इस पुस्तक के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे शरीर के शुद्ध होने से मन की शुद्धता शुरू होती है। श्यामाचरण लहरी महाशय जी ने क्रिया योग को फिर से जीवित किया है। अन्य योगियों के विपरीत इन्होंने परम आत्मज्ञान की खोज में भौतिक संसार की निंदा नहीं की, बल्कि एक संसारी व्यक्ति होने के नाते इसे प्राप्त किया। क्रिया योग की वजह से इन्हें योगीराज कहा गया। इनकी खास बात यह थी कि ये गृहस्थ जीवन के साथ घर में बैठकर क्रिया योग करते थे और रेलवे क्लर्क की नौकरी करते थे। श्री अरविंदो जी एक महान योगी और गुरु होने के साथ साथ गुरु और दार्शनिक भी थे। इन्होंने इंटीग्रल योग सिस्टम दिया जिसके जरिए इन्होंने मैटर, लाइफ और माइंड के कनेक्शन को समझने की कोशिश की। इससे दुनिया को ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से योग को समझने में मदद मिली। इन्होंने योग के साथ दर्शन को भी लोगों तक पहुँचाया। इन्होंने अपने आध्यात्मिक सहयोगी श्री माँ की तपस्या से पुंडुचेरी में श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की और अपना शेष जीवन श्री अरविंदो जी ने इसी आश्रम में रहते हुए आध्यात्मिकता एवं योग साधना में व्यतीत किया। स्वामी कवल्य आनंद, भारतीय योग को साइंटिफिक स्टडी कराने का श्रेय स्वामी कवल्य आनंद जी को जाता है। इन्होंने बाकायदा योग पर साइंटिफिक रिसर्च की और जर्नल पब्लिश किया। योग को मॉडर्न रिसर्च के जरिए पहचान दिलाने में इनका काफ़ी योगदान है। इन्होंने लोनावाला में कैवल्य धाम नामक संस्था की स्थापना की है जहां पर प्राचीन योग कला और परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर प्रयोग करते थे। यहीं से इन्होंने योग मीमांसा नामक वैज्ञानिक पत्रिका भी शुरू की थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती, क्या आप जानते हैं कि योगी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? वह उसका मजाकिया स्वभाव। ये कहना था स्वामी शिवानंद जी का। पेशे से एक डॉक्टर थे। इन्होंने योगी के 18 गुणों को बताते हुए एक गीत भी लिखा था। ये गीत योग के अभ्यास के दौरान योगी को बताता था कि खुश रहना भी योग का ही हिस्सा है। इन्होंने योग वेदांत विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिसमें समझाया है कि योग प्राणायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक हिस्सा है। स्वामी शिवानंद जी ने पूरी दुनिया को त्रिमूर्ति योग से परिचित कराया जिसमें हठ योग, कर्म योग और मास्टर योग शामिल है। उनका एक योग केंद्र भी है जिसे शिवानंद योग वेदांत के नाम से जाना जाता है। तिरुमलई कृष्णमाचार्य जी को आधुनिक योग का पिता भी कहा जाता है। इन्हें आयुर्वेद और योग दोनों का ज्ञान था। मैसूर के महाराजा के राज में कृष्णमाचार्य जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। कहा जाता है कि कृष्णमाचार्य जी अपनी सांसों और दोनों पर काबू कर सकते थे। इसके साथ ही उन्हें हठ योग और विन्यास को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। साथ ही इन्हें आयुर्वेद की भी जानकारी थी। इलाज के लिए उनके पास आए लोगों को वो योग को आयुर्वेद की मदद से ही ठीक किया करते थे। परमहंस योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया को मेडिटेशन और क्रिया योग से परिचित कराया था। इनके क्रिया योग को एक बड़े योगदान की तरह देखा जाता है। इनका दावा था कि 1 मिनट का क्रिया योग साल भर की आध्यात्मिक ऊर्जा दे सकता है। पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी दुनिया में योग पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। परमहंस योगानंद जी का संबंध रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य परंपरा से है। कृष्ण पट्टा भी जो तिरुमलई कृष्णमाचार्य जी के शिष्य थे, अष्टांग विन्यास योग इन्हीं की देन है। माना जाता है कि पावर योग और विन्यास योग भी अष्टांग योग से ही निकल कर बनाया गया है। मॉडर्न योग स्टूडियो तक योग को पहुँचाने में कृष्ण पट्टा भी जो जी का काफ़ी योगदान है। इन्होंने योग को मॉडर्न ट्विस्ट दिया है। कई हॉलीवुड कलाकार भी जोस जी के अष्टांग योग के फैन हैं। मैडोना, स्टिंग, गोइनिथ पाल्ट्रो और विलियम डेफो समेत कई हॉलीवुड कलाकार इनके शिष्य थे। महर्षि महेश योगी, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन नामक ध्यान की तकनीक विकास की। इनका दावा था कि ध्यान की इस तकनीक से इंसान वह सब कुछ बेहतर तरीके से कर सकता है जो वह करना चाहता है। इन्होंने इसकी खास ट्रेनिंग दी।
इनके ज्ञान से प्रभावित होकर मशहूर बैंड बीटल्स भारत आए थे। कई सेलिब्रिटी भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। श्री श्री रविशंकर जी भी महर्षि योगी जी के ही शिष्य हैं। बी के एस अयंगर, ये तिरुमले कृष्णाचार्य जी के सबसे पहले विद्यार्थियों में से एक थे जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। अयंगर जी जब 16 साल के थे तब इन्होंने अपने शिक्षक से बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए योग सीखा। बीमारियों के इलाज की खोज में इन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों का अध्ययन किया। पतंजलि योग सूत्रों को पुनः परिभाषित किया और दुनिया को अयंगर योग का तोहफा दिया। अयंगर योग के नाम से उनका एक स्कूल भी है। साल 2004 में टाइम मैगजीन ने इनका नाम दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में शुमार किया था। 95 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था, लेकिन इस उम्र में भी वह आधे घंटे तक शीश आसन कर सकते थे। इन्होंने पुस्तक लाइट ऑन योगा लिखी थी। इस पुस्तक की 30 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और इस पुस्तक का 23 भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इंदिरा गांधी जी के योग टीचर के रूप में जाने जाते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने दूरदर्शन चैनल के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। इसी समय इन्होंने सरकारी स्कूलों में अध्ययन के एक विषय के रूप में योग विषय की शुरुआत करने की पहल की। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी दिल्ली में स्थित विश्वनाथम योग आश्रम के संस्थापक थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने योगिक सूक्ष्म व्यायाम पुस्तक का लेखन योग के प्रचार प्रसार के लिए किया। योग मुद्राओं के सही व्यवहार के बारे में इनकी दूसरी पुस्तक योगासन विज्ञान का प्रकाशन हुआ। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कई पुस्तकें लिखकर योग को बढ़ावा दिया है। जम्मू के समीप स्थित इनका आश्रम बहुत भव्य और विशाल था। आश्रम में योग शैक्षणिक परीक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित होती थी। स्वामी देव मूर्ति जी ने 3 साल की उम्र में योग के प्राचीन अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 5 साल की उम्र में स्वामी देव मूर्ति जी का परिचय हिमालय के एक महान योग गुरु से हुआ, जो मूर्ति जी को हिमालय की गुफाओं में ले गया ताकि वह रहस्य जान सके। 1958 में उनके शिक्षक मती जी महाराज, जो लगभग 140 वर्ष के थे, उन्होंने योग की कला और विज्ञान को दुनिया भर में फैलाने के लिए भेजा। इन्होंने रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष व्यायाम की व्यवस्था आधुनिक लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की थी। आज देश विदेश से लोग भारत में योग सीखने आते हैं। दरअसल ये इन योग गुरुओं की कठिन मेहनत का नतीजा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित कर दिया। इन सभी योग गुरु द्वारा योग पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी गई हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी पुस्तकों का लिंक भी दे दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप योग करना चाहते हैं या फिर योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैंने भारत के सबसे प्रसिद्ध संस्थानों और विश्वविद्यालयों पर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें इन संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में जो योगा कोर्स होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि योगा कोर्स, फीस, अवधि और योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका भी लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।